रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम अरमान सदीकी। आप लोग देख रहे हैं सदीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये भी एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा 8 मार्च से लेके 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये भी एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलों में बेहतरी या और किन मामलों में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं, क्या आप एरीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं और आपका बुर्ज भी हमल है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के जायचे के थर्ड हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन यहाँ पर हाकिम सितारा होने की वजह से पहले मामलात में अब ये बहुत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में है, इसलिए कि ये पहले आपके सेकंड हाउस में था, सेकंड हाउस में इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था, लेकिन मरीक की अब बेहतर पोजीशन है। मरीक जो आपके थर्ड हाउस में है, जो आपके सोच समझ का घर है, जो आपके ट्रांसपोर्ट का घर है, जो आपके लिखत पढ़त का घर है, और ये घर आपके रिलेशन का घर है। अब इन मामलात में आप लोगों की खासी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, ये मामलात अब आपके खासे बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि मरीक ने 45 दिन तक ये आपके तीसरे घर के अंदर रहना है। लेकिन तीसरे घर में होने की वजह से इन मामलात में तो ये आपको बेनिफिट देगा, ये आपके शराकती मामलात में भी बेनिफिट देगा, इसलिए कि ये तीसरे से आपके सेवन्थ हाउस में भी देख रहा है और अलेवेंथ हाउस में भी देख रहा है, और इसकी एक नज़र आपके फर्स्ट हाउस में भी बनेगी, आपके सन साइन के साथ भी बनेगी। मतलब कि अगर आपके पैदाइश ही जायचे के अंदर सूरज 2 डिग्री के ऊपर है और तो फिर तो ये वीक आपका बहुत ज़्यादा बेहतर जाने वाला है। इस वीक के अंदर आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं, लेकिन उन लोगों के ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं जिनके पैदाइशी जायचे के फर्स्ट हाउस में सूरज 2 डिग्री पर है, इसलिए कि यहाँ पर मरीक भी इस टाइम 2 डिग्री के पर है। ये आपके पैदाइशी सूरज के साथ मरीक इस वक्त एक नीम नज़र बनाएगा, 60 डिग्री की एक नज़र बनाएगा। हालांकि आपके पहले घर में इस वक्त कोई सितारा नहीं, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ एरीज के अंदर आती है। सन साइन से मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी इस डिग्री के ऊपर ये सितारा है तो फिर आपके मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं, लेकिन बाकी एरीज वाले भी घबराए ना, उनके मामला अब बेहतर होने वाले हैं। वो अपने मामला में थोड़ा बहुत ज़रा जल्दबाजी ना करें, थोड़ी बहुत ज़रा उसमें ज़रा टाइम दें मामलात को बेहतर होने की वजह से, इसलिए कि पहले जो आपका हाकिम सितारा था वो ज़रा डाउनफॉल में जा रहा था, कोई इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं था, लेकिन अब ये बेहतर पोजीशन में आना शुरू हुआ है, इसने डिग्रीज बनाना शुरू किए हैं। अभी इसके जो है 10 या 12 डिग्री में जाने में ज़रा टाइम है, यहाँ पर भी ये 3-4 डिग्री इस हफ्ते में चलेगा। इस हफ्ते में 3-4 डिग्री चलने की वजह से आपके बहुत से मामलात में ज़रूर बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। ये मैं ऑल ओवर एरीज की बात कर रहा हूँ, पहले मैंने उन एरीज की बात की थी जिनका ख़ास तौर पर 2 डिग्री के ऊपर सूरज था, यहाँ पर अब मैं सब एरीज की बात कर रहा हूँ, तो आप ये वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा, इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके जो मामलात में बेहतरी आने वाली है वो आपके मामलात में इंशाल्लाह ताला आप कुछ ना कुछ अपने आप को ज़रूर उन मामलात में बेहतर फील करेंगे। 10वें घर में कमर का होना और कमर का आपके 12वें हाउस के साथ एक अच्छी नज़र बनाना, मतलब नेपच्यून के साथ, वीनस के साथ और सूरज के साथ ये एक अच्छी नज़र मून बना रहा है। ये अच्छी नज़र बनने की वजह से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, या रोज़गार की वजह से परेशान थे, या अपने इज्जत की मामले की वजह से परेशान थे कि आए दिन किसी ना किसी ने कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया हुआ था, या आप ज़हनी डिप्रेशन में रहते थे, इन मामलात की वजह से आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी डिप्रेशन रहता था, तो अब ये मामलात आपके सॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन मामलात में अब आपके बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। मैं यहाँ पर एक और चीज़ आपको ज़रूर बताना पसंद करूँगा कि इस वीक के अंदर सूरज और चाँद का करान होगा। जब भी किसी जायचे के अंदर सूरज और चाँद का करान होता है उस वक्त न्यू मून तो निकलता है, लेकिन आपके किस हाउस के अंदर न्यू मून निकल रहा है, सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपके 12वें हाउस के अंदर इस वक्त ये नया चाँद निकल रहा है, मतलब नया चाँद निकलेगा 14 को निकलेगा, लेकिन ये करान हो जाएगा, ये करान होगा 13 मार्च 2000
21 को ये क्रान आपके 12वें हाउस में हो जाएगा। ये 12वें हाउस में होने की वजह से आपको जो चार हफ्ते हैं, जो आने वाले चार हफ्ते हैं, खाली इस हफ्ते की मैं बात नहीं करूंगा, जो आने वाले चार हफ्तों की मैं बात करूंगा, उसके अंदर आपको आपके इंश्योरेंस के मामलात, आपको आपके बैंक के मामलात, आपके अखराजात, आपके एसिड, इन मामलात में खासी तवज्जो देनी पड़ेगी। इन मामलात को बहुत ज़्यादा गौर से सॉल्व करना। अगर आपने इन मामलात में तवज्जो नहीं दी, आपने चाहे होटल में खाना खाया और बिल अदा करते हुए एक दफ़ा बिल को नहीं देखा, तो ये हो सकता है कि आपके हाथों कोई ज़्यादा ही बिल पे हो जाए, मतलब कि आपको घर का बिल दोबारा लग के भी आ सकता है। तो आप इन मामलात में ज़रूर तवज्जो दीजिएगा, वरना आपके जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका खर्चा बढ़ सकता है। अगर आपने तवज्जो दे ली तो इंशाल्लाह ताला आप इन मामलात को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन उन लोगों के लिए ये मामलात ज़्यादा ख़राब होंगे जिनके एरीज वाले हैं, तो फिर तो आपके मामलात ख़राब हो सकते हैं। अगर आप वीक एरीज वाले नहीं, तो फिर आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ मामलात उस तरीके से ख़राब नहीं होंगे, आपके मामलात बेहतर ही चलेंगे। मैं ये उन एरीज वालों की बात कर रहा हूँ जो खासे वीक एरीज वाले हैं और जो अपने मामलात में ज़रा भी तवज्जो नहीं देते और उठ के इसी तरह ही काम करना शुरू कर देते हैं, उनको तो ज़रा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर नहीं दी तो फिर मामलात ख़राब हो सकते हैं। हाँ, ख़ास तौर पर एक और चीज़ का ख्याल रखिएगा कि वीनस ये आपके 12th हाउस में है। वीनस के आपके 12th हाउस में होने की वजह से ज़रा शराकती काम करते हुए ज़रा तवज्जो रखिएगा। शराकत में अगर कोई काम कर रहे हैं तो लेन देन में भी ज़रा तवज्जो रखिएगा। इसी तरह अगर आप शादीशुदा अफराद हैं तो आप हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से बात करते वक्त भी ज़रा एक दूसरे की बात को समझ लीजिएगा और उस तरीके से एक दूसरे की बात को क्रॉसिंग ना करिएगा, वरना गड़बड़ का शिकार हो सकते हैं। हाँ, जो एरीज वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो एरीज वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रबता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनमई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।